खतरनाक है, अभी भी गिर रहा है। देखो ये देखो भाई यार, ओ माय गॉड भाई, सामने भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। वो देखो सामने सामने पार्ट गिर रहा है, वो सामने साइड साइड साइड। और मौसम का हाल आप तो देख ही रहे हैं, देखो चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा टू वैली होम। और भाई इतना खतरनाक मंजर हो रखा है यहाँ पे भाई, मतलब पहाड़ों पे, मतलब मनाली, कुल्लू, तीर्थन वैली, मतलब पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में भाई इतनी बारिश भाई। यहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे हैं ना कि इतनी बारिश कई साल पहले देखी थी उन्होंने। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत हो रखी है नीचे नदी की। ये देखिए दोस्तों भाई, इतना खतरनाक जो है मंजर है ये, आप देखिए। अभी मैं दो तीन दिन पहले नीचे गया था तो ये जो पानी था ये साफ था, और वहां मैं आपको जाकर दिखा रहा था कि भाई इस पत्थर पे जो मैं योगा करता हूँ, पर अभी जो इसकी हालत देखेंगे ना आप, वो जो पानी है ना, वो पानी मतलब उससे भी 30 फुट ऊपर तक आ चुका है। और इसका बहाव इतना तेज है कि अगर इसमें कोई बस या जो घर मतलब कुछ भी गिर जाए ना, मतलब इसकी 80 की स्पीड है पानी की, कम से कम 80 की स्पीड है। थोड़ा दूर है हम तो ज्यादा पता नहीं लग रहा आपको। और मौसम का हाल आप तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध है। मतलब भाई सामने के पहाड़ ढक गए हैं, सब कुछ ढक गया है, नदियों में हर जगह से जो है पानी आ रहा है, हर जगह से पानी आ रहा है। घर से जो है थोड़ा आगे आया हूँ मैं, मतलब हमारे रोड भी कह सकते हैं आप, घर से थोड़ा सा ही आगे। ये देखिए लैंड स्लाइडिंग हो गई है, तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और भाई दूसरी तरफ से जो है गाड़ियाँ रुकी हुई हैं दोनों तरफ से, और ये जो है साफ किया जा रहा है। तब तक जो है भाई रास्ता जो है बंद रहेगा। सारे इकट्ठे हो गए अभी सारे, देख हमारे बिल्कुल घर के पास से ही जो है ऊपर से देखो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं उस साइड को। यहाँ देखिए दोस्तों भाई सारे जो हैं लोग भी हैं, और भाई पुलिस वाले भी आके हेल्प कर रहे हैं भाई। यहाँ पे भी जो है पूरा डंगा ही बोलते हैं यहाँ पे ना, ये देखिए पूरा जो है रोड पे आ गया एकदम। तो जब तक साफ नहीं हुआ तब तक जो है गाड़ियाँ पास नहीं होंगी उधर से। यहाँ से हुई है लैंड स्लाइडिंग। और दोस्तों थोड़ी ही दूर पे लगा लीजिए आप, लगभग 20 मीटर पे एक और जगह लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, फिर से लैंड स्लाइडिंग होगी। पिछली बार भी अच्छा तो घर के पास ही लैंड स्लाइडिंग होगी, नहीं तो खतरनाक है, अभी भी गिर रहा है। देखो ये देखो भाई, ये देखिए दोस्तों भाई घर को भी खतरा है ऐसे तो ऊपर ना भाई, घर के लिए साइड हो जाइए भाई, साइड हो भाई, खतरे की बात ही है यहाँ पे तो कभी भी। दूर रहो आंटी जी, खतरा है यहाँ पे ना भाई। हाँ ये बहुत ही हाँ खतरनाक जगह है ना, कोई भरोसा नहीं है कभी भी, कोई भरोसा नहीं। हाँ घर तक पहुंच गया, और वो घर पे खतरा ही आंटी है, और स्लिप कर जाए तो ये बहुत खतरे वाली बात है बोलता था। हाँ डंगे देने बहुत जरूरी है ना यहाँ पे। हाँ भाई घर के नीचे जो है जो ब्रेस्ट वॉल देनी बहुत जरूरी है यहाँ पे ना, ये तो खतरा रहता है घरों का, थोड़ा दूर ही रहते हैं आंटी ना। देखो ये तो बिल्कुल इसको डंगा है ही नहीं, मैं तो थोड़ा थोड़ा आगे चलो, यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, खतरे वाली बात है भाई। दोस्तों भाई जो आगे दंगा बोलते हैं ना, जो ब्रेस्ट वॉल बोलते हैं, वो जरूर देनी चाहिए। देखो यार मतलब ये घर तो पूरे खतरे में इस टाइम पे, ये लैंड स्लाइडिंग हो रखी है ना, कभी भी देखो कभी भी गिर सकता है इस हिसाब से तो ये। और भाई बिल्कुल अभी न्यूली बिल्ट है ये। ये देखिए गाइस इस तरफ से जो है यहाँ पे सड़क पे जो गाड़ी एक तरफ लगा दी गई है ताकि जो है भाई दिक्कत ना हो काम करने में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नदी की तरफ जो है घूम के आते हैं। ये देखिए भाई नदी का जो उफान है ना, नीचे का जो रास्ता जा रहा है, चलते हैं जरा थोड़ा सा जो है दूर से देखेंगे हम, और चलते हैं नीचे। भाई दोस्तों रिवर साइड को पहुंचने वाले हैं हम थोड़ा दूर। गाइस बहुत ही भयंकर दृश्य है यार ये, मतलब यार ओ माय गॉड भाई, सामने भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। वो देखो सामने सामने पहाड़ गिर रहा है, वो सामने वो देखिए भाई, इतना पानी यार। मतलब हम कल जो है मैं यहाँ से 20 मीटर आगे तक आगे गया था, दो दिन पहले जब मैं आया था, आपको वीडियो दिखाई थी मैंने ना मॉर्निंग में, मैं योगा करने आया था यहाँ पे, मैं 20-25 मीटर आगे तक गया था, और ओ भाई पानी यहाँ तक आ गया यार भाई, बहुत ही मतलब ना बहुत ही खतरनाक। वो सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं आप, अभी वहां से देखिए ये अभी मिट्टी गिर रही है, वो पहाड़ गिरने ही वाला है वो, ये देखिए। थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे हम, स्टेयर से पीछे पीछे रहेंगे। यहाँ जो आरसीसी की वॉल है थोड़ी सी, ये देखो गाइस यार मतलब यहाँ तक तो, यहाँ से हम उतरते थे, आपको याद होगा अभी दो दिन पहले अपने वीडियो देख ली, यहाँ से उतर के और मैं आगे जाके बीचों बीच जो है वहां तक, वहां पे जाके जो है एक्सेस की जाती थी। और ये देखिए आज क्या हाल है यहाँ पे,
ये देखिए ये शान हुए धीरे धीरे जो पहाड़ खिसकता हुआ। भाई मैं तो सोचा नहीं था कभी इतना पानी भर जाता होगा ना, मतलब मैं मतलब लोग बोलते थे 5-6 फुट 10 फुट पानी उठ जाता है, पर यहाँ तो यार कम से कम ये पानी जो है 2-3 मंजिल उठ गया है। थोड़ा पीछे रहना चाहिए तभी देखिए, जो कहते हैं ना बरसातों में जो है नदी के किनारे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भाई जलस्तर इतना बढ़ सकता है कोई सोच नहीं सकता, मतलब इसके आधे रास्ते तक तो, इसके आधे रास्ते तक तो जो टूरिस्ट जो जाते थे है ना, और भाई इतना खतरनाक। तभी बोलते हैं कि भाई आप 2 मिनट का भी भरोसा नहीं कर सकते, जब ऊपर से पानी बह गया आता ना एकदम, तो 2 मिनट का भरोसा भी नहीं होता पानी का। दोस्तों पानी का बहाव का यहाँ पे ऐसे ही है भाई, कभी भी जो है जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, मतलब जितना है उससे भी 5-10 फुट कभी उठ सकता है। तो भी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इससे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी भी मैं जो है 10 फुट दूर ही हूँ, पर अब नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे। चलते हैं ऊपर, घर की तरफ को चलते हैं। बारिश हो रही है चारों तरफ, चादर लेके घूम रहा हूँ मैं, रोड पे भी हर जगह बुरे हालात हैं। मनाली में भी जो रोड है दोस्तों देखा है मैंने अभी सुबह न्यूज़ में, वो टूटा है मतलब, और काफ़ी जगह जो है दिक्कतें चल रही हैं पूरे पहाड़ों पे, उत्तराखंड से लेकर पूरे हिमाचल में जो है भाई, मतलब कई सालों बाद बोल रहे हैं, 2004 या 2005 में भी पहले एक बार ऐसा हुआ था हिमाचल में, और अब ये काफ़ी मतलब लगभग 20 साल बाद दोबारा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाई आज है नेक्स्ट डे, कल गया था मैं, कल रोड के हालात ख़राब थे और नदी का पानी जो है बहुत तूफान पे है, अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी आप देखेंगे बाहर ना, ये देखिए दोस्तों, मतलब लगभग जो है 36 घंटे होने को आए हैं, लगातार बारिश ही है। थोड़ी देर जो है बारिश रुकी थी 5-10 मिनट के लिए बीच में, पूरी रात से जो है अभी भी बारिश हो रही है। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कल वो कॉल कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी जो है वो मैसेज कर रहे थे कि भाई हम सेफ हैं या नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मतलब हम बहुत सेफ जगह पे हैं, हमारा जो घर पड़ता है वो मतलब नदी से एक डिस्टेंस पे है, मतलब 200-300 मीटर जो है दूर है, हम ऊपर रहते हैं। और भाई मतलब एक चीज़ तो मैंने सीखी है भाई, कि पहाड़ों पर नदी के पास घर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मतलब नदी से एक 200-300 मीटर की डिस्टेंस भी ज़रूर होनी चाहिए भाई, इस लालच में कि भाई व्यू के चक्कर में या बहुत अच्छा लगेगा आपको, भाई इतनी क्लोज कभी घर ना लें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम सेफ हैं बिल्कुल, त्रिशु भी जो है अभी सो रही है और दीपिका भी जो है अभी सो रही है, और थोड़ा सा लाइट कट है अभी कल रात से ही, क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है, तो सेफ्टी के लिए जो है मुझे लगता है जो लाइट काटी गई है, और जैसे ही भी कुछ टाइम में जो बारिश रुकेगी आज लगभग लगता है दोपहर में रुक जाएगी तो लाइट भी आ जाएगी। दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है भाई कि जुलाई के मध्य में मतलब बरसातों के सीज़न में जो है आप पहाड़ों पर घूमने ना निकले, चाहे वो हिमाचल है चाहे वो उत्तराखंड है, घूमने भाई बिल्कुल भी ना जाएं। और जैसे कि भाई मंडी है या ऋषिकेश है या कुछ कुछ इलाके दोस्तों ऐसे ना वो बिल्कुल जो है पानी के पास लगते हैं। भाई हमारे यहाँ तो जो रिवर है वो एक मतलब जिसे कहते हैं अभी छोटी भी नहीं है, बट हाँ कंपेयर टू ये छोटी नदी भी है, बट और जहाँ भाई जहाँ मंडी है या जहाँ बड़े बड़े इलाके लगते हैं बिल्कुल पानी के साथ, तो भाई वहाँ तो बिल्कुल भी ना जाएं। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा परिवार बिल्कुल सेफ है और सभी सेफ हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, रोड पे छोटे मोटे सेंट करंट तो हो ही जाती है, बस आप घूमना अवॉइड कीजिए बरसात के मौसम में, ठीक है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।